या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि क्या आप कभी जान करके या अनजाने में कोई ऐसी गलतियां तो नहीं करते हैं जिससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। तो आइए इसी पे करते हैं चर्चा। कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे देवी लक्ष्मी रूठ सकती है। ऐसा काम या आदतों के कारण घर में दरिद्रता आती है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक तरह के नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना, अन्यथा एक छोटी सी भी गलती से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। धर्म ग्रंथों में लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। जितनी आसानी से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाती हैं। रात को सेविंग ना करें, नाखून ना काटें। कुछ लोग दिन में समय न मिलने पर रात में नाखून काटने लगते हैं। रात में नाखून काटने से घर से लक्ष्मी चली जाती है और घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। मंगल, गुरु और शनिवार को ये काम ना करें। सूर्यास्त के समय और उसके बाद ना करें। ये सूर्यास्त के समय या उसके बाद में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इस समय नहाना भी नहीं चाहिए सूर्यास्त के समय। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी रूठती हैं और घर में दरिद्रता आती। शाम को सोना नहीं चाहिए सूर्यास्त के समय या शाम के समय सोने से लक्ष्मी रूठ जाती हैं और प्रसन्नता का समय दूर हो जाता है। इस समय देवी लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। अगर कोई इस समय सोता है तो लक्ष्मी कहती हैं यहाँ पर तो सभी सो रहे हैं, चलो यहाँ से हम दूर जाएं। तो दरिद्रता, जब देवी लक्ष्मी नहीं होंगी तो मित्रों दरिद्रता भी आएगी। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए कुछ ये जो मैंने नियम बताए हैं इनको अपने जीवन में उतारिएगा और जब ये जीवन में उतारेंगे तो देवी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति परेशान हो जाते हैं कि इतना अच्छा कार्य चल रहा था और ये अचानक कार्य रुक गया, ठप सा हो गया, क्या कारण है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप और हमारी ये कुछ गलतियां जो हम लोग जाने अनजाने में कर देते हैं इनका भी कारण हो सकता है। और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप लोगों को नित्य निरंतर श्री सूक्तम का पाठ, कनकधारा का पाठ, लक्ष्मी यंत्र की स्थापना इत्यादि करें जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर पर स्थिर हो और आपको सदैव आनंद की अनुभूति कराएं, व्यापार परिवार में मंगल करें। मित्रों, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।